हेलो स्टूडेंट्स बेटे, मैं तुहानू मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करके उहदे पहले 6 क्वेश्चन तुहानू मैं पाते सी, उही मैं तुहानू दोबारा यह दिखा रही हाँ। थोड़ा जिहा तुसीं देख सकते हो भी यही क्वेश्चन तुहानू मैं करवाते सी। नैक्सट देखो, यह न्यूमेरिकल भी आपां सॉल्व कीता सी, इत्थे तक 74%। नैक्सट क्वेश्चन करना हुण आपां, गिव वन एग्जाम्पल ईच फॉर बोरोडीन, हंस डाइकर्स रिएक्शन ते स्वार्ज रिएक्शन। नेक्स्ट हैगा स्वार्ज रिएक्शन, अल्काइल फ्लोराइड्स बनाने ने अपने इत्थे विद मेटैलिक फ्लोराइड्स। This reaction is called Schwartz reaction. Next है, phenol is acidic in nature, why? Next है, how will you convert phenol into picric acid and aspirin? Concentrated nitric acid ते concentrated sulfuric acid दे नाल जब आप phenol नू reaction करवाने हैं तो picric acid बनता है। नेक्स्ट हैगा कन्वर्ट करना आपां फिनॉल नू एस्पिरिन दे विच। इहदे 3 स्टैप ने, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड दा फिनोक्साइड आयन बनावांगे, नेक्स्ट फिनोक्साइड आयन आ जिहड़ा उह तों फिर सैलिसिलिक एसिड बनावांगे, उस तों बाद सैलिसिलिक एसिड आ जिहड़ा उहनू ट्रीट कीता जाऊगा एसटिक एनहाइड्राइड दे नाल, विच रिप्लेसिस हाइड्रोजन ऑफ ओएच ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एसटाइलेशन ऑफ एसटाइल ग्रुप। नैक्सट है देखो, ये रिएक्शन दिता। नैक्सट आ, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिल एल्डिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड देखो हमने आप कर भी लिया, सैलिसिल एल्डिहाइड आ जड़ा ये हैगा राइमर टाइमर रिएक्शन, सीधा तुहानू नेम बाय नेम भी पुछ सकता तो इस तरह भी पुछ सकता भी सैलिसिल एल्डिहाइड बनाओ ये तो इंटरमीडिएट कंपाउंड आ। यह नैक्सट आ जिहड़ा, यह भी इंटरमीडिएट कंपाउंड आ, तो की हुंदा फिर पानी का मॉलिक्यूल निकलिया तो की बनिया सैलिसिल एल्डिहाइड जां 2 हाइड्रोक्सी बेंजलडिहाइड। नैक्सट होर की कन्वर्ट करना आपां, सैलिसिलिक एसिड बनाउणा है, पहला भी आपां वैसे बना चुके हैं क्वेश्चन दे विच, इहदा रिएक्शन है। यह है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट आ, गिव वन एग्जाम्पल ईच फॉर एच वी जेड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेमसनज रिडक्शन। एच वी जेड जिहड़ा रिएक्शन है इसनों होर की कहने आपां, हेलवोलहार्ड जेलेंसकी रिएक्शन। अल्फा पोजिशन दे उत्ते अल्काइल ग्रुप लग जूगा। नैक्सट है क्लेमसनज रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथेन और अलकेन कह सकते हो तुसीं, अलकेन इज फॉर्म्ड। दैन गिव 2 टेस्ट फॉर एसटल्डिहाइड, एक हैगा शिफ्ट रिएजेंट कलर होता फिर रीस्टोर हो जूगा। नैक्सट हैगा एक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट के नाल की हुंदा सिल्वर मिरर टेस्ट दिंदा आ, जबकि एसीटोन्स ने जिहड़े हो इस टेस्ट नूं नहीं दिंदे। नैक्सट हैगा गिव 2 टेस्ट फॉर एसटिक एसिड, कि जेकर असीं सोडियम बाइकार्बोनेट पाउंदे हां तां कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलदी आ, जां इहदे ड्रॉप्स असीं पाउंदे हां ब्लू लिटमस पेपर ते ओह रैड हो जांदा। नैक्सट है डिस्टिंग्विश बिटवीन एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स, नेक्स्ट है व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स, गिव 2 एग्जांपल्स। ये दिया एग्जांपल्स ने सोडियम बेंजोएट ते सोडियम मेटासल्फाइड्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इफ इट्स एज लेंथ इज
562 picometer and it has FCC lattice. Next, aniline is less basic than methylamine. Why? लोन पेयर जो मिथाइलमाइन है ईजीली प्रोटोनेटेड हो जाता है, इसे करके एनिलीन इज लैस बेसिक दैन मिथाइल एमाइन. नैक्सट आई गिव आइसोमेरिक एमाइंस ऑफ मोलीक्यूल मोलीक्यूलर फॉर्मूला सी थ्री एच नाइन एन. ये आइसोमर्स से उन्होंने आई यू पी एस सी नेम्स दसने. नैक्सट है वट आर द इलास्टोमर्स एंड थर्मोसैटिंग पॉलीमर्स से इन्हों एग्जाम्पल्स देनिया ने. नेक्स्ट है हेलोरीन्स आर लैस रिएक्टिव दैन हैलो अलकेन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शंस. वाई एक तो हैगा रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस देखो दिखाइए मैं. नेक्स्ट हैगा डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ कार्बन एटम. पढ़ लियो ध्यान नाल, आंसर तुहाडे वास्ते मैं लिख के ताई डिस्प्ले किए. हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इन टू बेंजोइक एसिड एंड बेंजो नाइट्राइल. ये दो रिएक्शन दिते इतने मैं तुम्हें क्लोरोबेंजीन की पोटाशियम साइनाइड के करवाने ता भी बेंजो नाइट्राइल देगा, जहाँ कॉपर साइनाइड के 200 डिग्री सैलसीयस से गर्म करूँगा पायरीडाइन की प्रेजेंस के भी दूगा. नेक्स्ट हैगा विच इज़ मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शंस एंड वाई आउट ऑफ बेंजाल्डिहाइड एंड क्लोरोबेंजीन. हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू डाइफिनाइल ते दूसरा हैगा फिनॉल. फिटिंग रिएक्शन है. अच्छा बेटे, इस तरह यह पेपर कंप्लीट हो गया. ध्यान नाल इन्हां नूं क्वेश्चनां नूं पढ़ियो और याद जरूर करने चंगी तरह.